जब हमारे किचन से निकले हुए वेस्ट से हमारे प्लांट बहुत हेल्दी और अच्छे से ग्रो करते हैं तो अच्छा तो लगता ही है फ्रेंड कि फ्री के फर्टिलाइज़र से हमारे प्लांट इतने हेल्दी हो रखे हैं। तो आज मैं बात करूंगी आपके साथ खूबसूरत प्लांट मनी प्लांट के बारे में। इसको हम मनी प्लांट या पोथोस भी कहते हैं। तो बहुत ही सुफलदायी ये प्लांट हमारे घर के लिए होता है फ्रेंड। वास्तु के अनुसार हमें ज़रूर इस प्लांट को अपने घर में स्पेस देना चाहिए और हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये प्लांट जो है ऊपर की तरफ ग्रो करें, इसकी ब्रांचेज जो है ऊपर की तरफ ग्रो करें। जब अगर इसकी ब्रांचेज ऊपर की तरफ ग्रो करेंगी तो ये हमारे घर की जो है उन्नति को दर्शाएगा, हमारे घर के हमारे घर में धन धान्य से परिपूर्ण हमारा घर हो जाएगा। और ध्यान रखें, हर प्लांट का अपने अपना एक महत्व होता है। तो मनी प्लांट जो है फ्रेंड, इसकी जो अगर हम सॉइल की बात करें तो इसकी सॉइल जो है एसिटिक होनी चाहिए, जिससे कि इसकी लीव्स इतनी खूबसूरत चमकदार और इतनी बड़ी बड़ी होंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें ध्यान रखना है, प्लांट में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन सभी चीज़ें पूरी होनी चाहिए, तभी प्लांट इतना हेल्दी और उसकी लीव्स इतनी बड़ी बड़ी हो पाएंगी। दूसरा जो देखिए फ्रेंड, मेरे पास पड़ी थी मेरी एक पुरानी झाड़ू और मैंने झाड़ू से ये मॉस स्टिक बनाई है और उस पर मैंने ये चढ़ा दिया मनी प्लांट अपना। और देखिए कितना ही खूबसूरती से जो है ये इसके चारों तरफ बढ़ रहा है और कितना बूसी सा शेप जो है इसने ले लिया है। बहुत खूबसूरत ये प्लांट लग रहा है मेरा और बहुत हेल्दी भी हो रखा है, तो मेरा मन तो बहुत खुश है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वो मैं दो कौन से फ्री के फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में देती हूँ। तो बने रहेगा वीडियो में कि कौन कौन से केयर, कौन क्या क्या केयर टिप्स मैं इसकी करती हूँ और कौन कौन से फ्री के फर्टिलाइज़र से जो है मेरा प्लांट इतना हेल्दी हो रखा है। मनी प्लांट जो है फ्रेंड, इसकी कई सारी वेराइटीज़ होती, कई सारी वेराइटीज़ में मिलता है, तो मेरे पास भी इसकी दो तीन वेराइटी है। देखते हैं वो कौन कौन सी वैरायटी है। तो पहली तो देखिए ये गोल्डन पोथोस है और इसकी लीव्स जो है अभी तो ये थोड़ा बेबी लीव है, जैसे जैसे बड़ा होगा तो ये बिल्कुल येलो सी हो जाती है, गोल्ड की शेप की हो जा, गोल्ड के कलर की हो जाती है, तो इसे गोल्डन पोथोस कहते हैं। तो ये भी बहुत खूबसूरत है। मैं सिर्फ एक सिंगल लीव्स लेके आई थी कहीं से और आज मेरे पास इसकी तीन लीव्स ग्रो हो गई हैं। तो बहुत खूबसूरती से जो है ये प्लांट भी बहुत सुंदर लगता है और जब ये काफ़ी बड़ा होता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि गोल्ड की जो वाइन है वो मतलब ग्रो कर रही हो। तो इसको भी ज़रूर आप स्पेस दें, बहुत सुंदर ये लगता है। और इसके अंदर जो है मेरे ये दूसरे तरीके का मनी प्लांट भी, ये छोटी लीव्स वाला जो मनी, जो छोटी लीव्स वाला मनी प्लांट होता है वो भी इसके अंदर ग्रो कर रहा है। तो इस तरीके से देखिए आप कितना हेल्दी मेरा ये प्लांट हो रहा है। और एक मैं ये लेके आई थी मार्बल पोथोस, तो ये मार्बल पोथोस भी बहुत खूबसूरत लगता है। और अभी तो मैं ये रिसेंटली कुछ ही दिन पहले लेकर के आई थी, तो फिर भी लेकिन ये देखिए ग्रो होने लगा है। इसको भी आप एक सिंगल लीव से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ लीव्स जो है ये बहुत तेज़ धूप पड़ी बीच में तो उसके कारण जो है ये थोड़ा सा जो है बर्न हो गई है। तो फिर मैं सोच रही हूँ इसको भी मैं इनडोर रख दूँ, क्योंकि ये मैंने आउटडोर रखा हुआ है। तो जब तक आप थोड़ा ध्यान रखें, जब तक आप एक बेबी प्लांट लेकर के आते हैं उसको थोड़ा ग्रो नहीं हो जाता हो तब तक उसे आउटडोर ना रखें और फिर धीरे धीरे उसके प्रोपगेशन कीजिए। और जब आपके पास एक दो प्लांट हो जाए तो कुछ को आउटडोर, कुछ को इनडोर आप इजीली रख सकते हैं। बट जब स्टार्टिंग का टाइम होता है उस टाइम पर प्लांट को बचाने के लिए मेरे हिसाब से आपको उसको इनडोर ही रखना चाहिए। जो मेरा आज का पहला फर्टिलाइज़र है वो है ये यूज करी हुई चाय पत्ती। तो यूज करी हुई चाय पत्ती को आप फेंके नहीं, इस तरीके से छान दें और उसको ड्राई कर लें, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में जो है आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम पाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है प्लांट के लिए। पोटेशियम चाय पत्ती की खाद में मौजूद न्यूट्री एसेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए, प्लांट में पत्तियों को बड़ा करने के लिए, पत्तियों की ग्रोथ के लिए, फूल की ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये ये जो खाद है चाय पत्ती की। तो इसको बिल्कुल भी बेकार ना समझिए, ये आपके प्लांट के लिए सोने से भी ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखिए ये आपको करना क्या है, एक जो है चम्मच चाय पत्ती लेनी है, प्लांट की गुड़ाई कर लेनी। इस समय जो है फ्रेंड रेनी सीजन चल रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर आप इस समय जो है सॉलिड जो फॉर्म में अगर आप इसको देते हैं अपने प्लांट को तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म वो धीरे धीरे डिसॉल्व होगा तो आपका प्लांट धीरे ग्रो करता रहेगा। लेकिन अगर आप इस टाइम पर लिक्विड फॉर्म में अगर अपने प्लांट को ये दे रहे हैं
सॉलिड फॉर्म में आप देखिए जिस तरीके से मैंने ये दिया है, बिल्कुल इसको अच्छे से ड्राई करके तब आप देंगे तो आपके प्लांट में फंगस का डर नहीं रहेगा। और लिक्विड फॉर्म में अगर आप देते हैं तो लिक्विड फॉर्म में देने का क्या आपको नुकसान है कि इस टाइम पर अगर आप इसको दे रहे हैं लिक्विड फॉर्म में तो वो एकदम से रेन से जो है ड्रेन हो जा रहा है आपका, आपकी जो कंपोस्ट है, आपका जो फर्टिलाइज़र है वो ड्रेन हो जा रहा है रेन से, तो आपके प्लांट को तो पोषण मिल ही नहीं रहा है ना। तो इस तरीके से अगर आप इसको थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में दें, और ड्राई फॉर्म में इन द सेंस कि उस पर फंगस ना हो कहीं से भी, तो अगर आप इस तरीके से देंगे तो प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। तो ज़रूर से इस प्रकार अपने प्लांट को ध्यान रख के दीजिए। नेक्स्ट है ये अनियन पील्स। तो अनियन पील्स क्या है, इनको भी आप अच्छे से ड्राई करेंगे जैसे कि ये मैंने कर लिए हैं अच्छे से ड्राई, और अच्छे से ड्राई करने के बाद आप इनको जो है ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंड करने के बाद जो आपको इसका पाउडर, एक्चुअली फ्रेंड इस समय हो क्या रहा है, रेन है तो बहुत अच्छे से जो ड्राई नहीं हो पा रहे हैं, कितने भी आप इसको कोशिश कर लेंगे ड्राई करने की तो ये इस पर फिर भी मॉइस्चर आ ही जा रहा है। तो जो भी है चलिए आप इसको ग्राइंड कीजिए, और ग्राइंड करने के बाद आपको इस तरीके का कुछ ये मिक्सचर मिल जाएगा, और इस मिक्सचर को आप आराम से अपने प्लांट में दीजिए। अब आप देखिए ये भी मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया तो इस पर भी फंगस का कोई डर नहीं है। अगर आप इसको डायरेक्ट फॉर्म में देते हैं विदाउट ग्राइंड करे हुए या ड्राई करे हुए तो उसे फंगस का अटैक लग सकता है प्लांट में। अनियन फील्ड्स का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो भी बहुत लाभदायक है। अनियन में भी जो है कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और इसका जो एंटीऑक्सीडेंट होता है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए। ये प्लांट को जो है फंगस से बचाता है, प्लांट को पेस्ट के अटैक से बचाता है, और बहुत ही अच्छा ग्रो करता है प्लांट की लीव्स के लिए, ये बहुत अच्छा होता है। तो इसे ज़रूर आप अपने मनी प्लांट में दें, और इस तरीके से अपने मनी प्लांट को बनाएं हरा भरा और घना बुशी। तो होप सो आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो बहुत अच्छी लगे तो वीडियो को बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहें। इसकी प्रोपगेशन भी बहुत ईजी होती है, इस तरीके से आप इस समय देखिए आप इस पर जगह जगह एरियल रूट्स निकल रही होती है, तो किसी भी एक रूट के पास से आप इसको कट कीजिए, आप इसको सिंगल लीव से भी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी एक लीव लीजिए और उसको आप मिट्टी में इंसर्ट कर दीजिए, तो बस आपको कुछ ही दिनों में नए नए प्लांट्स मिल जाएंगे। तो ये था पूरा आपका आज मनी प्लांट के बारे में। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपके लिए लेकर के आती रहूँगी, बस आप मेरे साथ बने रहे। तो बाय, हैप्पी गार्डनिंग।